गुड मॉर्निंग, मैं पंपकिन पाई, जल्दी उठ जाओ, लेट हो रहा है, बस आने वाला है। ओह माय गॉड, ये तो घोला बेचकर सो रहा है। उठो बेटा, वेक अप बेबी, वेक अप। यस मॉम। बेटा जल्दी करो, तुम्हारा स्कूल बस आने वाला है। मॉम, आज मेरा स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा, प्लीज क्या मैं आज स्कूल से हॉलीडे ले लूं? Oh my poor baby, तुम एक काम करो, तुम एक दिन स्कूल से हॉलीडे ले लो। एक दिन क्या, तुम पूरे एक हफ्ते की हॉलीडे ले लो और मस्त घर में चिल करो। I love you mom, thank you so much. मेरे पम्पकिन पाई सोते हुए कितना क्यूट लगता है। देखो जरा, टाइम हो गया स्कूल बस आने का, लेकिन ये अभी तक सोया पड़ा है। उठ जल्दी। क्या करूं मैं इस लड़के का, अरे जल्दी उठ जा, तेरी स्कूल बस आने वाली है। मम्मी मम्मी, आज स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा, प्लीज मम्मी स्कूल से छुट्टी ले लूं। अरे बात क्या बात कर रहा है बेटा, ये तो मैं कब से सुनना चाहती थी। ठीक है बेटा, तू सो जा। थैंक यू मम्मी। बेटे थैंक यू कुछ नहीं चलेगा, रुक जा, अभी काम वाली को फोन करती हूँ, रुक जा। हाँ हाँ सुन शांति, वो क्या है कि मिक्कू अब से स्कूल नहीं जा रहा है, तो घर के मैं सारे काम उससे करवाऊंगी, तो तुझे ना आने की जरूरत नहीं है, तेरी अब यहाँ से छुट्टी, ठीक है? हाँ। Oh, no. बेटा मैं कितनी खुश हूँ मैं तेरे को बता नहीं सकती, तू अब स्कूल नहीं जा रहा है ना, तो मैं ना तेरे से सारे काम करवाने वाली हूँ। रुक जा, अभी ना स्कूल के ग्रुप में ना मैसेज डाल देती हूँ, मिक्कू नहीं आ रहा है, चिंकी भी है ना उस ग्रुप में, रुक जा उसको भी पता चल जाएगा, अच्छी बात है। आई एम मिक्कूज मॉम एंड मिक्कू इज नॉट कमिंग टू स्कूल एनी मोर। ये दबाया मैंने बटन, अरे नहीं नहीं, मैसेज सबको जा रहा है ग्रुप में। नहीं मम्मी रुको, जा रहा हूँ, ठीक है? ब्लैकमेल करते रहते हो। मुझे पता था मेरा तरीका जरूर काम आएगा, मेरा बेटा बहुत जल्दी ही मान जाएगा। एजी सॉरी, मैंने आपसे काम वाली बनकर बात की, ट्रिक थी ना मेरी। हाँ ठीक है, चलो फोन रखो। हाँ मॉम, बहुत भूख लगी, आई एम फीलिंग वेरी हंग्री, क्या बनाया है? बेबी आई हैव मेड पम्पकिन सूप फॉर यू। ईयू मॉम, ये मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ओह माय गॉड माय सन, ये भूखा रहेगा ये मैं बिल्कुल नहीं देख सकती। बेटा एक काम करो, तुम बाहर से ना अपनी मन पसंद का ना ऑर्डर कर दो, क्या खाओगे बचाओ? मॉम आई वांट टू ईट पिज्जा, बर्गर, स्पेगेटी पास्ता एंड ब्राउनी विद आइसक्रीम। ओह हो, ब्राउनी विद आइसक्रीम, स्वर्ग होता है स्वर्ग। या टेक डाउन माय ऑर्डर। मम्मी मम्मी बहुत भूख लगी है, क्या बनाया खाने में? बेटा घुइया की सब्जी बनाई है मैंने। मम्मी ये मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, कुछ और नहीं बना सकते थे? पता था मुझे तुझे मेरे खाने से नफरत होने लगी है ना। दिख रहे हैं मुझे अब तेरे लक्षण, दिख रहे हैं बेटा। वाह वाह वाह, अब तुझे अपनी माँ से नफरत होने लगी है ना। बेटा जब मैं मर जाऊंगी ना, तब तुझे मेरी अहमियत पता चलेगी। बेटा अपनी मनपसंद की सौतेली माँ ले आई हो, फिर उससे ना अपने मनपसंद के खाने बनवाई हो बेटा। मैंने तो सुना है कि सौतेली माँ ना बहुत खराब होती है, अपने सौतेले बच्चों को ना मार मार के रखती है, उनको नौकर बना के रखती है। मम्मी बाहर से ऑर्डर करें? बेटा मेरे पास एक और डिश है, बेलन और जूते वाली, आहा क्या मस्त बनाती हूँ, खाने वाले को भी मजा आ जाता है, खिलाऊं क्या? अच्छा ठीक है, खा लेता हूँ। अरे तो बहुत जल्दी मान गया, मेरे तो कुछ जवाब ही नहीं। ओह वाव, लिटिल लिटिल लगाकर तो मजा आ गया।
माय गॉड व्हाट हैपेंड माय शान ओह ये तो ग्लास टूट गया बेटा तुमको तो नहीं लगा नो नो मॉम मुझे नहीं लगा वो क्या हुआ मेरे हाथ से ग्लास गिर गया था वो टूट गया आई एम रियली वेरी सॉरी लगता है तुमने लीटर लीटर लगाया है इसलिए तुम्हारे हाथ से ग्लास फिसल गया बेटा मेरे साथ भी ऐसा होता है जब मैं लीटर लीटर लगाती हूँ तो कुछ समझ नहीं आता Don't worry, my son. मैं तुम्हारे लिए ऐसे बहुत सारे ग्लासेस ले आऊंगी बस मेरे शान को कुछ नहीं होना चाहिए आई लव यू बाय बाय ओ आई लव यू मॉम थोड़ा लिटिल लिटिल लगाए ओ यस मूड तो मेरा भी हो रहा है ओ ये अरे मुझे किसी ने देखा तो नहीं बहुत प्यास लगी थी ओह नो मेरे हाथ से ग्लास टूट गया मम्मी बहुत डांटेगी अरे क्या हुआ इतना महंगा कांच का ग्लास तोड़ दिया तूने मेरा पैर ना डाइनिंग टेबल में लग गया और मेरे हाथ से ना ग्लास टूट गया प्लीज मम्मी मुझे माफ कर दो आई एम सॉरी मम्मी बेटी तूने सॉरी सॉरी बोलकर कितनी सारी चीजें तोड़ी हैं लेकिन इस बार मैं तेरा क्या क्या तोड़ूंगी तू ये सोच भी नहीं सकता लेकिन मम्मी 5 मिनट पहले आपने भी तो कुछ तोड़ा था ना अरे नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं तोड़ा था वैसे भी मम्मा कुछ तोड़ती है तो सोच समझ के तोड़ती है और मम्मा कुछ गलती कभी कर सकती है क्या वैसे बेटे तुझे ये तोड़कर तो शांति आई नहीं होगी एक काम कर ये ले ये भी तोड़ ले इससे भी शांति ना मिले तो ये तोड़ ले ठीक है उसके बाद माचिस ले पूरे घर में आग लगा ले नहीं 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 उसके बाद शांति ना मिले तो हथौड़ा लेकर मम्मा को तोड़ ले ठीक है ये चुपचाप सुनकर तो चला जाएगा लेकिन ये कांच तो मुझे उठाना पड़ेगा ना ऐसा मैं होने नहीं दूंगी सुन क्या देख रहा है फटाफट जाकर झाड़ू लेकर आओ और ये कांच उठा चल जल्दी जा अच्छा ठीक है अभी झाड़ू लगाता हूँ हाय मेरा प्यारा बेटा इसको मैंने कुछ ज्यादा ही डांट लिया वैसे ये कांच का ग्लास बहुत पुराना हो गया था मेरी सासू माँ ने दिया था इतना कुछ वर्थ नहीं था लेकिन डांटूंगी नहीं तो अपना रोब कैसे जमाऊंगी गुड मॉर्निंग मॉम गुड मॉर्निंग माय बेबी मॉम मुझे आप प्लीज एक नई बाइक खरीद के दे दीजिए अब ना मुझसे बस और मेट्रो का सफर नहीं करवा जाता ओह माय गॉड बेबी मैं तुमको सिर्फ बाइक नहीं तुमको मैं एक गाड़ी खरीद के दूंगी वेट डन वो देखो तुम्हारी गाड़ी आ गई आई लव यू मॉम यू आर द बेस्ट ओके बेबी हैव फन थोड़ा चाकसा होता तो मजा आ जाता मम्मी क्या हुआ क्यों रो रहा है मैं जो साइकिल लेकर जाता हूँ ना वो लड़कियों वाली साइकिल है आप मुझे लड़कों वाली साइकिल नहीं दे सकते थे अरे इसमें रोने वाली क्या बात है बोलते मम्मी की साइकिल चला रहा हूँ मम्मी की साइकिल है बेटा मुझे दहेज में मिली थी अब वो क्या है कि मेरे जांघों में दर्द होने लगे है ना तो मैं अब साइकिल नहीं चला सकती बेटा पड़े पड़े जंग लग जाएगा तू चला रहा तो अच्छी बात है ना चलाते रहे मम्मी मैं कब तक साइकिल चलाऊंगा मम्मी प्लीज प्लीज मुझे बाइक दिला दो बेटा तुम मार मार के ना मुंह तोड़ दूंगी पता बाइक का कितना खर्चा होता है पेट्रोल भराओ हवा भराओ साइकिल का क्या है हैं साइकिल ली फर 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 करके कहीं भी निकल गए बाइक की 36 प्रॉब्लम होती है और वैसे भी तेरे पापा के सर पे इतना सारा लोन है पापा का लोन चुकाने में मदद कर दे फिर उसके बाद तू बाइक क्या गाड़ी ले लियो मम्मी कुछ नहीं लेडी साइकिल है ना बीच में एक डंडी लगवा देती हूँ फिर जेंट साइकिल हो जाएगी अगर अभी भी तेरा बाइक का भूत नहीं उतरा तो चप्पलों से अभी उतार देती हूँ रुक जा बस बस नहीं चाहिए मुझे बाइक आपकी सड़ी हुई साइकिल ही चला लूंगा अरे वाह मेरी राजकुमार ये तो बहुत जल्दी मान गया भारतीय माओ के पास बहुत सारे हथियार होते हैं बच्चों को वैसे ही डरा देती हूँ हाय गाइस मोहक मीत वाइंस की वीडियो आती है एवरी ट्यूसडे शाम 5 बजे
तो फटाफट से मोहक मीत वाइंस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम लोग मजेदार वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। क्या आपकी मॉम देसी मॉम जैसी है या विदेशी मॉम जैसी, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे @mohakmeet और ऑन फेसबुक @mohakmeetofficial। सो फटाफट से इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन भी दबा दें। सो सी यू गाइस नेक्स्ट वीक। सब्सक्राइब टू मोहक मीत वाइंस नाउ।